अगर ये वाला मसला हल हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हर चीज बहुत अच्छी बनी हुई है माशाल्लाह, वाकई में। मैं डिजर्ट लेकर आती हूँ। तुमने पहले ही इतना सब कुछ किया है, मीठा मैं और माहिरा ले आएंगे, ठीक है? जी बिल्कुल। हाँ दे साहिबा, क्या आपकी गाड़ी की चाबी मिल सकती है मुझे? मुझे उसे ठीक तरह से पार्क करना है। हाँ ठीक है, देती हूँ हैरी। मेरी गाड़ी की भी चाबी ले जाएं। हाँ मैं कह रहा हूँ मेरी गाड़ी की भी चाबी ले जाएं। नहीं नहीं, आपकी गाड़ी सही जगह पर खड़ी है। सेल्फी लेते हैं। हाँ क्यों नहीं। मेरे फोन की बैटरी डेड हो रही है, चार्जर है तुम्हारे पास? हाँ लेकिन गाड़ी में है। मेरा चार्जर भी गाड़ी में है, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ मगर मेरा डिजर्ट मत खाना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ लेकिन जल्दी आना वरना खा जाऊंगा। आइलिन? हाँ। मुझे नहीं पता था तुम आने वाली हो, यहाँ क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, मेरा काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं आ गई। हाँ चार्जर लेने आई थी मैं अपना, मगर मेरी गाड़ी हैरी कहीं और ले गया है शायद। हाँ निजात के पास चार्जर है ना, क्या तुमने उससे पूछा? चलो आओ अंदर चलकर देखते हैं। हाय हाय हाय, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये सारकान अंगल को दो। लाओ दो मुझे। अम्मी जान। तुम नहीं आओगी ऐसा लगा था मुझे। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन मेरा काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं आ गई। सोना बहुत अच्छा किया तुमने जो तुम आ गई। अम्मी हमने मीठा बनाया है, खाइए ना आप। अच्छा लेकिन अभी मेरा दिल नहीं कर रहा। ऐसे कैसे दिल नहीं कर रहा, चलो आओ चल के मीठा लेकर आते। अरे नहीं मेरा सच में बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। आपको तो मीठा बहुत पसंद है, अब क्या हुआ? और क्या मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम मीठे की कितनी शौकीन हो, चलो आओ। ठीक है तुम जरा इधर आओ बैठो मेरे पास। मैंने तुमसे कहा था ना कि कल से पहले शक्ल मत दिखाना। कहा था। तो फिर तुम क्यों आई हो यहाँ? बस दिल चाह रहा था। दिल चाह रहा था तुम्हारा, कितने आराम से कह दिया तुमने। थोड़ी देर पहले ही हमारी बात हुई और तुम फौरन आ गई। आपको शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए। और जो तुम कर रही हो वो क्या है? मैं कुछ नहीं कर रही, मैं बस यहाँ माहिरा के लिए आई हूँ। हाँ जैसे माहिरा तुम्हारे लिए बहुत अहमियत रखती है। हाँ बिल्कुल ये सच है। अच्छा ये सच है, हम दोनों ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारे लिए क्या अहम है। तुम यहाँ इसलिए नहीं आई। अगर मैं यहाँ इसलिए नहीं आई तो फिर बताए मैं किस लिए आई हूँ। हांदे और सारकान तुम्हें देख चुके हैं, अब फिर से गायब मत हो जाना, आओ चलकर मीठा खाओ, चलो आओ चलें। ये मीठा वीठा गया भाड़ में, आप यहाँ से नहीं जा सकते जब तक आप मुझे ये नहीं बता देते कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आपको लगता है आप मेरे बारे में सब कुछ जानते लेकिन आप कुछ नहीं जानते। तुम बताओ दो दिनों में तुमने इतने पैसे कहाँ खर्च किए? माफ करना डिस्टर्ब तो नहीं किया, कोई जरूरी बात चल रही है तो चली जाती हूँ। नहीं हम तो बस माहिरा की बात कर रहे थे। चार्जर मांगने आई थी मैं, मिल सकता है क्या? वो अंदर रूम में होगा, मैं ला कर देता हूँ तुम्हें। आइलन जानान, मैंने तुमसे कहा था उन 2 लाख को भूल जाओ तुम, मगर अब इस बारे में मालूम करो, सब कुछ जानना है। अरे इंतजार किस बात का है, ये सब ले जाता हूं मैं। अरे कोई बात नहीं है, मैं कर लूंगी। वैसे सब कुछ बहुत अच्छा था हांदे, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मगर हमने तो ये मिलकर तैयार किया है, अगली बार ये मेरे घर पे होगा। अगली बार मेरे घर पे होगा। आइलिन क्या कर रही हो, आओ बैठो यहाँ। अच्छा ठीक है। क्या सो गई माहिरा? हाँ सो गई। आज तुमने कमाल कर दिया था। अच्छा रॉबर्टो बहुत खुश हुआ था। खुशी है कि तुम्हारे काम आ सकी। इंग्लिश के साथ इटालियन भी बोलती हो ना? मुझे जबानें सीखने का काफी शौक है, कुछ खास इटालियन तो नहीं आती मुझे लेकिन थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ।
तो क्या सीखने का शौक था तुम्हें? हाँ बिल्कुल, ये कह सकते हैं। बहुत खूब। वैसे तुम्हें मेरे सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है कोई। मैं सच जानता हूँ। कैसा सच जानते हो मेरे बारे में? हाँ, निजात ने मुझे सब कुछ बता दिया था। क्या बताया निजात ने? माहिरा को खत तुमने नहीं लिखे थे, ये मैं जानता हूँ। हाँ, क्या वाकई? तुम मुझे गलत बिल्कुल भी मत समझना, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा। ठीक है। क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे? बस कुछ खास नहीं। तुम किसी काम का जिक्र कर रही थी ना? बस भी करो भाई, काम की बातें मत करो, अच्छा वक्त गुजारने दो हम सबको। मुझे लगा कि तुम ऊपर रूम में होगी तो तुम्हारी कॉफी नहीं बनाई मैंने। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं शाम में कॉफी नहीं पीती, कहते हैं शाम में पीने से बूढ़े हो जाते हैं। हाँ तो तुम भी कॉफी पीने से पहले एक बार सोच ही लो। पहली बार सुन रही हूँ मैं इस तरह की कोई बात, ये जाहिलाना बातें हैं। तुम बच्चों को अफ्रीका के बारे में बताने वाली हो, इस सब से मायरा बहुत खुश है। हाँ वो बहुत एक्साइटेड है। क्या हम लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं? अरे नहीं यार, इसकी क्या जरूरत है? अरे क्यों नहीं, ये बहुत अच्छा आइडिया है तुम्हारा। अरे हमें क्या पता कल तुम कितनी अच्छी कहानियां सुनाओगी। तुम्हारी कहानियां सुनने तो मुझे जरूर आना है, आना तो पड़ेगा। क्या सच में तुम संजीदा हो? हम वहाँ क्या करेंगे यार? एंजॉय करेंगे, और हम इस तरह आइलैंड को अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते। आइलैंड? नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें जहमत नहीं देना चाहती, मैं सब खुद संभाल लूंगी। नहीं मैं तो आऊंगा। हाँ दे तुम भी आओगी ना? हाँ। चाहो तो तुम भी वहाँ हो सकते हो निजात। ठीक है मैं भी साथ हूँ। अब क्या करूँ मैं? हाँ अब मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। क्या मतलब, क्या तुमने कुछ पढ़ा नहीं? नहीं पढ़ा है, बहुत पढ़ा है। तो तुम तैयार हो? कह सकते हैं। जबरदस्त। मुझे अफ्रीका के 10 ममालिक के नाम बताओ जरा। क्या अभी? नहीं 3 दिन के बाद। तो ठीक है बताती हूँ मैं। बताओ। क्या नाम थे उनके? आपने यूं इस तरह अचानक पूछ लिया तो घबरा गई हूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ अगर सुबह तक का टाइम देखिए तो मैं आपको 10 नहीं 20 मुल्कों का नाम बता दूंगी। सोना तुम मामले की नजाकत को बिल्कुल नहीं समझ रही। हांदी और सारकान को धोखा देना एक 10 साल बच्चे को धोखा देना जैसा बिल्कुल नहीं है। हांदी को वैसे भी इसमें दिलचस्पी है, वो कल तुमसे इसकी तफसील मांगेगी। ये तो ठीक कहा। वो आपने सारकान को लेटर्स के बारे में सब बता दिया, अगर उसने ये बात किसी को बता दी तो फिर क्या होगा? मैं यही पूछने वाला था, तुमने सरकान से कुछ कहा है क्या? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो बल्कि बात ही पलट दी थी। लेकिन काश अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता तो ये सब कुछ ना होता। उफ, क्या करना चाहिए मुझे अब? हाँ क्या ये करना चाहिए कि मैं कोई बहाना कर दूँ कि मुझे कोई ज़रूरी काम पड़ गया है, लेकिन फिर माहिरा उदास हो जाएगी। ठीक है घबराओ नहीं, मिलकर सोच लेते हैं। वो कैसे? मैं तुम्हारी मदद करूँगा, हम सुबह तक कुछ ना कुछ कर लेंगे। मेरे साथ आओ। माफी चाहती हूँ। अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो क्या हम काम की तरफ ध्यान दें? मैं आपसे माफी चाहती हूँ निजात साहब, मैं अपने बाबा से बात कर रही थी, उन्हें ये बता रही थी कि मैं आज बुर्जू के घर ठहरूंगी, उसके बाद फिर मुझे बुर्जू को भी समझाना था। अब हर किसी की जिंदगी आपकी तरह तो नहीं हो सकती ना। बात खत्म? हाँ खत्म। तो क्या मैं शुरू करूँ? हाँ शुरू करें। अपनी जगह पे जाओ। हाँ तो जब तुम यहाँ नहीं थी। ये तो बहुत अच्छा बनाया है आपने। हम शुरू करें क्या? हाँ चले शुरू करें। अब तुम मुझे अपनी कहानी सुनाना शुरू करो, अगर कोई मसला हुआ तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मगर इस बारे में मुझे 2 सवाल पूछने। वो क्या? वो ये कि मैं जिम्बाब्वे और जैम्बिया में थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। तंजानिया और कॉन्गो तो ठीक है, लेकिन बेहतर ये होगा कि वो जो 2 मुल्क है मैं उनके बारे में कोई भी बात ना करूं। मैं सुन रहा हूं। हाँ तो मेरे इब्तदाई 6 माह अफ्रीका के शहर हरारे में गुजरे। हमारी जो एनजीओ है उसका मरकज वहीं पर है। और हरारे
जैम्बिया का दारुल हुकूमत है। जिम्बाब्वे का है वो। देखा, मैंने ये पहले ही कहा था, मैं हमेशा ही जैम्बिया और ज़ोंबिया में कंफ्यूज हो जाती हूँ। जैम्बिया सही है, ज़ोंबिया नामी कोई शय हमारी जिंदगी में मौजूद नहीं है। जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, ठीक है, मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, जिम्बाब्वे। मैंने इसके ऊपर एक बॉक्स बना दिया है और स्टार लगा रहा हूँ। हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। तुमने आखिर में जो किया वो अच्छा है। देखो, अब मैं संजीदा हूं। मैं नाजरीन की तरह यहां बैठ रहा हूं, ठीक है? तुम ठीक से सोचोगी और शुरू से आखिर तक सब बताओगी। मैं एंड से बता देती हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। सोना प्लीज। ये क्या कर रहे हैं? सरप्राइज। अब बताओ, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है निजात साहब। हाँ बताओ। हाँ तो मेरे इब्तदाई 6 माह अफ्रीका के शहर हरारे में गुजरे। और हमारे एनजीओ का मरकज वही है, और हरारे जिम्बाब्वे का दारुल हुकूमत है। जबरदस्त। हाँ, देखा, सही बताया ना मैंने। देखा, मैंने सब कुछ सीख लिया। माफी चाहती हूँ, बस खुशी में जरा एक्साइटेड हो गई थी। सही किया ना? हाँ बिल्कुल ठीक था। अब सुबह होने वाली है, अगर चाहो तो जाकर थोड़ी देर सो जाओ। हाँ वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। सच कहूं तो अच्छा हुआ हमने साथ में प्रैक्टिस कर ली। ये तो पता चलेगा। चलें ठीक है, गुड नाइट। कहां चली? हाँ तुम्हारा कमरा तो उस तरफ है। हाँ थकन और नींद की वजह से शायद मैं भूल गई। ठीक है। किस किस्म के शख्स हो तुम? अगर मेरी बहन के साथ कुछ बुरा किया तुमने तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। कैसे हो मेरे भाई? ये सुबह सुबह तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे बहुत सारे काम हैं आज। आपको लगता है कि मैं नाकाम आदमी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाबा कहाँ है? मुझे क्या पता, वो सुबह ही सुबह निकल गए थे किसी काम से। मैं भी जा रही हूँ, तुम कॉफी हाउस संभाल लेना। आप बाहर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे बाहर जाना है। मुझे भी तो जाना है। वैसे आप किधर जा रही हैं? इससे तुम्हें क्या, मैं कहीं भी जाऊँ हर चीज में तुम्हें पता के तो नहीं करूँगी ना। ठीक है, आप बाबा को फोन लगाएं और पता करें कि वो कहाँ है। बाबा। हाँ बेटा, क्या बात है, कहो। बाबा आप कहाँ पर हैं? दरअसल मुझे कहीं जाना है अभी। मैं काम से आया हुआ हूँ, अगर तुम्हें कहीं जाना है तो रिफत से कह दो, वो कॉफी शॉप पे बैठ जाएगा। आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन इसे भी किसी काम से जाना है। रिफत से कहो कि वो अपने दोस्त से कहे वो बैठ जाएगा, मैं कुछ ही देर में आ जाऊंगा। ठीक है बाबा। क्या कहा उन्होंने? ठीक है तुम जा सकते हो, मैं यहीं पर ही हूँ। ठीक है फिर, खुदा हाफिज़।
हेलो, आप शौकत साहब हैं? हेलो, ये बताइएगा क्या इस जगह को आप डील करेंगे? दरअसल बात यह है कि अब इस जगह को हम नहीं बेच सकते। समझा नहीं मैं। यहाँ की जो ओनर है, ये दुकान उन्होंने किसी और को देने का फैसला कर लिया है और अंदर की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। आगे एक और जगह है, चाहे तो वो देख सकते हैं। मोहतरमा, क्या आप अपनी मर्जी से कस्टमर चुनती हैं? माफी चाहती हूँ शौकत साहब, आपकी बात समझ नहीं पाई। मुझे पता है ये जगह खाली है और आप इसे किराए पर देना चाहती हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन एक लड़की ने ये जगह पसंद कर ली है और यहाँ की ओनर भी ये जगह उसी को देना चाहती हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो ये जगह किसी और को देने के लिए तैयार होंगी। क्या आप इस जगह के ओनर का नंबर मुझे दे सकती हैं? माफ कीजिएगा, लेकिन इस तरह नंबर नहीं दे सकती मैं आपको। ये बात है, इस शॉप को जो लड़की किराए पर लेना चाहती है वो मेरी बेटी है। यहाँ के ओनर से कह देना, उस औरत से जिसका नाम भी मैं अपनी जबान पर लेना नहीं चाहता हूँ, उससे कहना मेरी बेटी से दूर रहे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। निजात, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। आयलिन को मेरी तरफ से माजरत कर देना, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं यहां से सीधा ऑफिस चला जाऊंगा। सारकान साहब, ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा आपको? कोई बात नहीं, मैं इनको ले आई हूँ, ये गाड़ी ठीक कर देंगे। ये अपने काम में बहुत माहिर है, मुझे यकीन है कि ये आपकी गाड़ी ठीक कर देंगे। आपसे मिलकर खुशी हुई बहुत। अभी ठीक कर देंगे, चाबी है ना गाड़ी में? हाँ हाँ है। तो ठीक है फिर, हमें अब चलना चाहिए। जैसे ही गाड़ी ठीक होगी हमें बता देंगे। तुम्हें यकीन है? जी जी बिल्कुल, पूरा भरोसा है। तो चलो फिर। उस्ताद, काम हो जाए तो कॉल कीजिएगा। ऐसा करें, दरवाजा बंद करने से पहले सीट बेल्ट बांध ले तो अच्छा रहेगा, बाद में दरवाजा बंद करें। हाँ। गाड़ी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है। मेरी सारकान से बात हुई है, उसकी गाड़ी खराब हो गई, वो नहीं आ रहा। क्या सच कह रहे हैं आप? हाय शुक्र है खुदा का, बस अब कुछ ऐसा हो कि वो आंधे भी ना आ पाए। ज्यादा उम्मीदें ना बांधो। हाय मुबारक हो, आ गई। कहीं लेट तो नहीं हो गई मैं? नहीं, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। अगर मिस कर दिया होता तो अफसोस होता। हेलो, खुश आमदी। शुक्रिया। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। आइलिन साहिबा, सारे बच्चे आ गए हैं, आप चाहें तो शुरू कर सकती हैं। हाँ आहिस्ता आहिस्ता शुरू करते हैं हम। हाँ तो बच्चों, आइलिन साहिबा कौन है ये तो आप लोग जानते होंगे। माहिरा की अम्मी है। ये आप लोगों को अफ्रीका के बारे में बताएंगी तो आप शुक्रिया अदा नहीं करेंगे? शुक्रिया। आइए आइलिन साहिबा। बच्चे तैयार हैं आइलिन साहिबा, आप शुरू कर सकती हैं। कौन सा जानवर सबसे बड़ा है वहाँ पर? मैं अफ्रीका कैसे जा सकती हूँ? हाथी किस रंग के होते हैं? परिंदों का रंग और मगरमच्छ कितने बड़े होते हैं? ठीक है। क्या मैं वहाँ जाके अपनी बीवी की हौसला अफजाई कर दूँ? जी बिल्कुल, आप अम्मी की हौसला अफजाई कर सकते हैं। घबराना नहीं। तो मैं जब मैं अफ्रीका गई तो इब्तदाई 6 माह मैंने हरारे में गुजारे, और हरारे जिम्बाब्वे का दारुल हुकूमत है और वहाँ हमारे एनजीओ का मरकज भी है, और वहाँ हम कैंप्स लगाकर आसपास के लोगों की मदद करते हैं। युगेंडा, इथोपिया, तंजानिया, जिम्बाब्वे, इन जगहों पर मेरा बहुत वक्त गुजरा है। मैं आप सबको अपने एडवेंचर्स के बारे में बताना चाहती हूँ। आप सब तैयार हैं? हाँ, तैयार हैं। तो फिर मैं शुरू करती हूँ। चलिए शुरू करें। सुबह तो आपने कहा था कि आज आप ऑफिस नहीं आएंगे। हाँ, इसीलिए तो तुम्हें शाम में बुलाया था, क्योंकि आज आइलैन बच्चों को अफ्रीका के बारे में बताने वाली थी तो मैं वहाँ जाने वाला था और ये सब हो गया। आई उफ, चले कोई बात नहीं, फिर कभी सही। चले अच्छा हुआ आपकी मुलाकात शकीर से हो गई।
अब ये कौन है? शकी, ये गाड़ी है मेरी, इसका नाम है, ये सारकान साहब है। माशाल्लाह मेरी गाड़ी बहुत पुरानी है, थोड़ी सी पुरानी। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारे बच्चे से मिलकर खुशी हुई, बहुत अच्छा है ना। उम्र का पता ही नहीं चलता इसकी। हाँ, मेरा बच्चा उम्र नहीं देखता। तो तुम अपने बच्चे को अकेले पाल रही हो या कोई है साथ देने वाला? है तो, लेकिन वो काफी दूर है हमसे, मगर उसके बगैर ही गुजारा हो रहा है। यानी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। समझी नहीं मैं, यानी आपकी बात नहीं समझी मैं। आप एक लड़के हैं तो इस बात को कैसे वाजे करेंगे, ये लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिलेशन आपके ख्याल में अच्छा है या नहीं? अभी वो है कहाँ पर, मैं उस हिसाब से जवाब देना पसंद करूँगा। अंतालिया में? मुझे लगता है कि उसे तुम्हें इस तरह अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अब हर कोई तो आपकी तरह नहीं सोचता होगा ना सारकान साहब। तो बताओ मैं क्या क्या सोचता हूँ। मुझे क्या मालूम, आप दिन में 10 औरतों को तो गुलदस्ते भेज देते हैं, आपकी असिस्टेंट हूँ इसीलिए ये सब जानती हूँ। उसमें से सारी औरतें मेरे लिए बहुत खास हैं। हाँ, तो क्या वो खास औरतें एक दूसरे के बारे में जानती? जरा मुझे सोचने दो। नहीं, वो एक दूसरे के बारे में ना जाने इसीलिए तो मुझे एक समझदार असिस्टेंट की जरूरत थी। अब उन सबको संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आई, शुक्र है कि आपने सीट बेल्ट बांधी हुई है, वरना आपका सर टकरा जाता। सेफ्टी इंसान के अपने हाथ में होती है। खैर, आप यहीं पे उतर जाए, मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ। ठीक है, गाड़ी पार्क करके आ जाओ जल्दी। खुदा हाफिज। इस आदमी का किरदार तो देखो जरा। अल्लाह अल्लाह, आज मैं अंदर क्यों नहीं आ सकता, मैं कल ही तो आया था यहाँ पर। इस तरह का रवैया कहाँ होता है? आप अंदर नहीं जा सकते, माफी चाहता हूँ। आप फोन लगाने जाता? देखिए सर, मैंने बताया था हम साथ काम करते हैं। देखिए, हमारे लिए मसला खड़ा मत करें। क्या हुआ, कोई मसला है? जी हाँ है, यहाँ पर मुझे निजात साहब से मिलना है और ये मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। जी ठीक है सर। कब सुन रहा हूँ मैं? बहुत शुक्रिया। वैसे मैं यहाँ पर अपने कैफे के बारे में बात करने आया था। मैं आपको उस कैफे की तस्वीरें दिखाता हूँ। ये सारी तस्वीरें मैंने खुद ली हैं ताकि कैफे बड़ा खूबसूरत नजर आए। आप खुद देखिए। ये तो वही कॉफी हाउस है ना जहाँ पे हम शूट करना चाह रहे थे? जी हाँ, ये वही कैफे है जिसमें आप लोग शूटिंग करने वाले थे, लेकिन ये मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहे। आप बताएं मैं कैसे बात करूं? लेकिन हमें तो पता चला था कि वहाँ पे कोई मसला है। जी हाँ, वो हुआ हुआ था, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। कैफे 24 घंटे खुला होता है, आप कभी भी आ सकते हैं और शूटिंग कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं। ठीक है, लेकिन इस बार में फैसला मैं अकेले नहीं कर सकता। जैसे ही हम कोई फैसला कर लेते हैं तो मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगा। अपना कार्ड दे दो। कार्ड तो नहीं है। हाँ, पेपर और पेन देना, मैं अपना नंबर लिख देता हूँ। ये रहा मेरा नंबर, ये लीजिए आप। शुक्रिया, जल्द कॉल करूंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जहां इतना इंतजार किया वहां एक दिन और सही। और भाई कैसे हो? क्या मंकीज बहुत है अफ्रीका में? हाँ बच्चों, वहाँ पर बहुत ज्यादा मंकीज होते हैं। मसलन साउथ में वेलवेट मंकीज होते हैं, क्या आपने सुना है उनके बारे में? नहीं सुना है। आप जानते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत खूबसूरत होते हैं, मतलब उनकी बैक पर जैकेट जैसा ग्रीन और ब्राउन कलर होता है। और पता है, वो बिल्कुल इंसानों की तरह से चलते हैं। मैं बताती हूँ किस तरह। बिल्कुल इस तरह से चलते हैं वो, ऐसे 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 ऐसे। बहुत क्यूट लगते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। अगर आप लोग भी उन्हें देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। चलो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही काफी है। बच्चों, क्या आइलैंड साहिबा के लिए आप लोग तालियां नहीं बजाएंगे? अम्मी आपने बहुत अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूँ। अरे मेरी जान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अम्मी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मजा आ गया। हाँ हाँ, बहुत मजा आया मुझे भी। बच्चों को अच्छी मालूमात दी तुमने, सच में खुशी है तुम्हें पसंद आया। बाबा, क्या हम अम्मी को मेरे स्पेशल डे पे ले जा सकते हैं? मजा आएगा वहाँ। क्यों नहीं, हम बिल्कुल जा सकते हैं। उस दिन आप लोग क्या करते हैं? हैरी, अंदर कुछ कैटलॉग्स पड़ी हैं, लाकर देना मुझे। जिलाता हूँ। हम बहुत से खेल खेलते हैं, बहुत मजा करते हैं। हम अम्मी को भी अपने साथ लेकर चलते हैं ना, वो हमारे साथ कभी भी नहीं गई हैं। अगर तुम्हारी अम्मी भी चलना चाहती हैं तो क्यों नहीं। हाँ चाहती हूँ। जबरदस्त, ये बहुत ही मजा आने वाला है। हाँ, ये लीजिए। शुक्रिया। तुम आज मेरे बगैर सब संभाल लोगी ना? परेशान मत हो, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। सारकान को चाहिए थी, उसे दे देना। बात सुनो, हम लोग बहुत मजा करेंगे। जी बिल्कुल। तो मतलब हम लोग बहुत मजा करने वाले हैं। हम बहुत मजे करने वाले हैं। ओह माय गॉड, ये सब क्या है? क्या हुआ? हर चीज पर पेंट है, देखो तो। हैरी, क्या तुमने बच्चों को यहाँ आते देखा था? हांदे के सारे कपड़े खराब हो गए।
नहीं, मैं तो यहीं पर था और मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा यहाँ। तुमने आखिरी बार ये कब चेक किया था? जब मैं कल यहाँ आई थी तो उससे पहले मैं शॉपिंग पर गई थी। सोचा था ये चीजें मैं बाद में निकाल लूंगी। मतलब ये यहाँ हुआ? क्या मालूम मुझे। खैर जो भी होने जात, तुम्हारे गार्डन में ये हरकत करने की जरूरत कौन कर सकता है? यहाँ तो बहुत से सिक्योरिटी कैमरास लगे हैं ना। मुझे नहीं लगता ये यहाँ हुआ होगा। मुझे भी लगता है ये यहाँ नहीं हुआ। या तो जरूरी किसी पागल की हरकत होगी। कहो तो कैमरा रिकॉर्डिंग चेक कर लें। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, जो होना था हो गया, कोई मसला नहीं है। अगर तुम्हारे जहन में ख्याल आया किसी पर भी शक हो तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिक्र मत करना। बाबर बहुत गुस्सा करेंगे। तो फिर तुम तैयार हो ना मजे करने के लिए? जी बाबा। तो चलो। जी कहिए। हां दे साहिबा। जानान, आइलैंड के हवाले से आज कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं मैंने, कुछ देर में भेजती हूँ मैं। ठीक है हां दे साहिबा। अच्छी तरह से छानबीन करो, हो सकता है हमें कोई हिंट मिले। जी मैं देख लेती हूँ। क्या लगता है ये अकेली चलाक है? हेलो, तुम यहाँ? खैरियत कैसे है तुम यहाँ? सोना यहाँ पर है? नहीं, कहीं गई हुई है। सानिया हो ना तुम? जी सानिया हूँ। मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि मेरी बहन काम कहाँ करती है। हालात का जायजा लेने आई थी बस, क्योंकि मेरी बहन कोई लावारिस नहीं है, हमारे लिए बहुत ही अनमोल है वो। हाँ, लेकिन तुम्हारी बहन यहाँ काम नहीं करती। अच्छा वाकई? अगर ऐसा है तो वो थोड़ी देर पहले यहाँ क्या कर रही थी? मुझे सब कुछ मालूम है। हमें खुद नहीं पता कि वो यहाँ क्यों है और कब तक है, कुछ नहीं जानते। अगर आप मसरूफ है तो ये बात मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे इंतजार कर लेती हूँ। तो तुम यहाँ से नहीं जाओगी? अच्छा तो फिर ठीक है, अंदर आ जाओ। अगर तुम इतने इसरार कर रहे हो तो आ ही जाती हूँ। चलो आ जाओ। अब मेरी बारी। अब तुम्हारी बारी। यहाँ आओ, यहाँ जंप, आराम से। बहुत जबरदस्त, शाबाश। इधर आओ मेरी जान। अब क्या करना है, फिर से खेलें क्या? अब अम्मी खेलेंगी। अम्मी चले आए खेलें। तुम भी आओ ताकि पता चले तुम्हें खेलना आता है या नहीं। लेकिन मुझे नहीं आता, मैंने आज तक नहीं खेला। कोई बात नहीं, अगर तुमसे सही नहीं हुआ तो हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। शुरू में मुझे भी नहीं आता था, फिर बाबा ने आहिस्ता करके मुझे भी सिखा दिया, तो अब हम आपको भी सिखा देंगे, है ना बाबा? हाँ मेरी जान, लेकिन तुम बहुत ज़हीन हो इसलिए तुमने फौरन समझ लिया। यानी आपका मतलब कौन ज़हीन हूँ मैं? अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। ये बहुत ही आसान है, आपको बस बॉल के जरिए वो गिराने होंगे। बाबा आपको सिखा देंगे जब तक मैं जूस पी रही हूँ। ये अब इतना भी मुश्किल नहीं। ये क्या कर रही हो तुम? लाओ ये इधर मुझे दो। लगता है पहले मुझे तुम्हें इन बॉल्स के बारे में बताना पड़ेगा। देखो
ये वाली लो, ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है? ठीक है। अब इसे यहाँ से पकड़ो। समझ गई हूँ मैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब मैं आपको खुद से खेल के दिखाऊंगी। रुको, ये क्या कर रही हो? क्या हुआ? तरबूज की तरह नहीं फेंक सकती इसे। इधर लाओ, ये वाली उंगली और ये उंगली इसके ऊपर होनी चाहिए और अंगूठा इस खाने में। ठीक है, सब क्लियर है? अब ये गिरेगी तो नहीं? समझ गई मैं। हाँ, छोड़ो। शाबाश, ठीक है, फेंक रही हूं। देखो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वहां जो 10 पिन्स हैं वो नजर आ रही है ना, तुम उनमें बीच वाली पिन पर नजर रखो। अगर तुमने उसे स्ट्राइक कर दिया तो बाकी सब खुद गिर जाएंगी। ठीक है, क्या तुम तैयार हो? एक, दो, तीन। ये जबरदस्त। अरे मेरी जान, कैसे जबरदस्त शॉट मारा था मैंने, सारी गिरा। जब मैंने गिराया था क्या हुआ था? अम्मी ने कितना अच्छा खेला, सब गिरा दिए मैंने। बहुत खूब। वैसे सब कुछ ठीक ही लग रहा है, हर चीज तो अपनी ही जगह पे ही है। इस घर का ख्याल कौन करता है? मैं करता हूँ। हाँ, अच्छा, वाकई? हाँ। वैसे मैं तो नई नवेली दुल्हन को भी पूरे नंबर नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरा नजरिया थोड़ा मुनफरिद सा है, मैं मुश्किल से ही नंबर देती हूँ। लेकिन आपने ये सब कुछ अच्छा किया है। हाँ, आइसक्रीम वैसे कैसे बनाया है? राज को राजी रखते हैं हम। हाँ, अगर तुम नहीं बता रहे तो इसमें से मैं एक चम्मच खा के बता सकती हूँ इसमें क्या क्या डाला हुआ है। अम्मी भी बनाया करती थी मेरी। अगर ये बात है तो ये लो, खाकर बताओ कि कैसा है। इधर दो मुझे। ये बात तो पक्की है, इसमें गाय का दूध शामिल किया है ना? 3 चम्मच मक्खन की भी डाले होंगे। क्या ये थोड़ा ज्यादा हो गया? हाँ? नहीं नहीं नहीं, मक्खन थोड़ा ज्यादा डाल दिया है बस, थोड़ा सा ज्यादा है। इसमें महक सी आ रही थोड़ी मक्खन की, इसलिए कहा मैंने। तो इसे बनाने में काफी माहिर लगती हो। कहा तो था, मैंने अपनी अम्मी से सीखा है, ये हमारी रेसिपी बेहतरीन ही होगी। बिल्कुल ऐसा होगा, लेकिन मेरी रेसिपीज भी किसी से कम नहीं है। मुकाबला कर लेते हैं फिर। ठीक है, तो पहले तुम्हारे हाथ की बनी हुई आइसक्रीम खाऊंगा मैं। सच कहूं तो ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं बनाकर लेके आऊंगी। तो फिर देखते हैं। देख लेना। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया अंकल, आज के दिन तो बहुत ही मजा आ गया। लगता है तुमने बहुत मजा किया आज, इसलिए इतने खुश नजर आ रही हो ना। पता है, अम्मी को तो खेलना भी नहीं आ रहा था, बाबा ने सिखाया है अम्मी को। अरे क्या वाकई? अम्मी, आपको पता है आज हम एक और चीज करने वाले हैं। क्या? खाना खाने के बाद हम एक साथ मिलकर मूवी देखेंगे। हाँ, लेकिन मैं अभी मूवी नहीं देख सकती, क्योंकि अभी मुझे बहुत जरूरी काम करना है। क्या बिल्कुल गुंजाइश नहीं तुम्हारे पास? अगर तुम अपने काम मंसूख कर दो तो हम मायरा डे को अच्छी तरह एंजॉय कर सकेंगे। हाँ, बहुत मजा आएगा। ठीक है, फिर माहिरा के लिए मैं अपने जरूरी काम बाद में कर लूंगी। जबरदस्त। ठीक है, जानती हो तुम्हारे लिए क्या बनाया है मैंने? आइसक्रीम। आइसक्रीम। आइसक्रीम का नाम सुनते ही तुम मुझे भूल जाती। चलो चलते हैं। अब बताएं मुझे क्या करना है। क्या? क्या आपने माहिरा नफ्सियात के साथ मीटिंग कैंसिल कर दी? नहीं, कैंसिल तो नहीं की मैंने। क्या मुझे एक और मौका नहीं मिल सकता? 3 महीने सिर्फ माहिरा के लिए? हाँ, मैं माहिरा के साथ रहना चाहती हूँ। पैसे तो आप दे ही चुके, और पैसों की बात नहीं, कर्ज तो कर्ज होता है, मगर बस एक मौका चाहिए मुझे। Thank you.
अच्छा तो तुम्हें यह पढ़ाई करनी थी बेटा। हाँ, अगर तुम इसमें शामिल ना होती तो ज्यादा हैरत होती। तुम पे भरोसा करना मेरी भूल थी। ये क्या हैरी, तुम भी? तुम्हें पता है ना तुम्हारी हांदे आंटी हमसे कितना प्यार करती हैं। उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुमने क्या किया माहिरा? उनकी गाड़ी पेंट से खराब कर दी। तुमने देखा वो कितनी परेशान हो गई थी, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा। अगर बुरा लगा है तो ना आए हमारे पास। ये क्या तरीका है? तुम्हारी हांदे आंटी कई सालों से यहां आ रही हैं और वो आगे भी आती रहेंगी। अगर किसी को हमारी वजह से परेशानी हो तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या करना चाहिए फिर हमें? जवाब है तुम्हारे पास कोई? हमें माफी मांग लेनी चाहिए अगर हमें पता चले कि वो हमसे नाराज है तो। और हमें कौन सी चीज सबसे ज्यादा बुरी लगती है? जो हमने कभी एक दूसरे से नहीं बोला? एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया माहिरा, मुझे जवाब दो। मैं नहीं बताना चाहती हूँ। माहिरा, निजात साहब आप माहिरा को जाने दीजिए, मैं सब बताती हूँ आपको। मुझे माहिरा के मुंह से सुनना है। अगर मैंने आपको बताया तो आप अम्मी पे गुस्सा करेंगे और वो घर से चली जाएंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा माहिरा बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे बाबा से बात कर लूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ठीक है? मुझे पता है कि आप चली जाएंगी जैसे पहले गई थी, अब ऐसा मत करना। क्या मतलब? आप मुझे बताए बगैर नहीं जाएंगी, ठीक है? अगर आप मुझे खुदा हाफिज करेंगी और ये बता के जाएंगी कि आप कब वापस आएंगी तो मैं आपका इंतजार करूंगी। वादा करें मुझसे। वादा। चलो अब तुम जाओ। ठीक है निजात साहब, तैयार हूं मैं। तुम एक नाकाबले एतबार शख्सियत हो। मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, हैरी भी तुम्हारे साथ था। बजाय इसके कि तुम हमारी जैसी बनो, हमारे अपनों ने तुम्हारा साथ देना शुरू कर दिया। तुमने हर एक को अपना जैसा बना लिया। उनका कसूर नहीं है, मैंने उनसे मदद मांगी थी। जब मैं सोचने लगता हूँ कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, उसी वक्त तुम कोई अहमकाना हरकत कर देती हो। निजात साहब, तुम मेरे घर का निजाम खराब कर रही हो, समझ गई तुम? मैं निजाम खराब कर रही हूँ? आपको लगता है मैं माहिरा के लिए ठीक नहीं हूँ? शायद आप सही हैं। पहले वो बोट वाला मामला और अब ये। आप भी सोचते होंगे कि मैंने इस लड़की को 3 महीने की रकम पहले ही अदा कर दी, लेकिन ये तो इस लायक है ही नहीं, और सही भी है। लेकिन माँ के किरदार को कैसे निभाना है ये मैं बिल्कुल नहीं जानती। माँ कैसी होती है मुझे नहीं मालूम, मगर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि एक छोटी बच्ची का माँ के बगैर बड़ा होना कितना तकलीफदेह होता है। निजात साहब, अब जा रही हूँ मैं। आप ये सोचे कि जैसे आप मुझसे कभी मिले ही नहीं थे, बल्कि आपका नंबर भी डिलीट कर देती हूँ मैं, ताकि कभी कॉल ना कर सकूं। मैं माहिरा को प्यार करके उसे खुदाफिज कहना चाहती थी, मगर इसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही मुझ में, तो बस इसीलिए। और हाँ, उसकी कहानी अधूरी रह गई है, आप उसे सुना दीजिएगा। और रही बात पैसों की, वो जल्द आपको लौटा दूंगी मैं, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात काम ही क्यों ना करना पड़े। खुदा हाफिज़।